नमस्कार, आप देख रहे हो वीटी व्लॉगर्स और मैं आज आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो सरदार शहर तहसील के गांव नयाबास बादासर में एक बहुत ट्रैक्टर है वो लग रहे हैं, क्योंकि जो बड़े एक टिल्ले टिब्बे थे उसको काटकर इधर ला रहे हैं। बड़ी बड़ी ऊंचाई दे चुके हैं, ये 4-5 फुट ऊंचाई आ गई है। इधर आना, ऊंचाई दिखाएंगे। बहुत सारी यहाँ ट्रैक्टर है वो एक भर्ती में लग रहे हैं और मैं पूरा इसका विवरण है वो खोल कर बताऊंगा आपको। देखिए, लगभग 5 या 6 फुट ये भर्ती आ गई। हाँ, इसी साइड में दिखा दीजिए, 5 या 6 फुट पूरी की पूरी ये भर्ती आ गई है। और मैं इसका पूरा विवरण है वो हमारे जो ग्रामवासी है भदासर के उसको पूछताछ करके बाद में पता चलेगा कि भाई मकसद क्या है, इतने ट्रैक्टर है वो क्यों लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके विषय में मैं पूरा आपको वीडियो बताऊंगा। और यह है एक भदासर गांव का जो मुक्ति धाम, ये एक मुक्ति धाम, तो भदासर गांव के मुक्ति धाम में ग्रामवासियों ने एक बड़ी कदम उठाई है कि मतलब इसी साइड के जो ये टिल्ले है लाके है ऊंचाण नीचाण की जमीन थी उसको काट कर समतल बनाया जाए। ये भदासर गांव का एक मुक्ति धाम जो भवन बनेड़ा है उसमें, और यहाँ पर बड़ा कार्य है। सबसे पहले तो मैं ट्रैक्टर और दिखाऊं, क्योंकि लगभग 8 या 10 ट्रैक्टर है इसमें, और भी काफ़ी ट्रैक्टर है वो आते जाते रहते हैं। पूरे ग्राम की एक ग्रामवासियों की कीमत एक बड़ी कदम उठाई है ग्रामवासियों ने, बड़ी ग्रामवासियों ने ये कदम उठाई है कि भाई बहुत ये ट्रैक्टर है वो लग रहे हैं। देखिए क्या महत्व है, क्या भाई साहब जी, राम राम। अब जो यहाँ ग्रामवासी है उनसे वातावरण करेंगे कि भाई ये क्या कदम उठाई है इतनी बड़ी। सेव जी, राम राम। राम राम भाई साहब जी, जो भदासर ग्रामवासी है वो ये मुक्ति धाम है उसमें मतलब क्या प्लान बनाया है, क्या कर रहे हैं? इसमें प्लान बनाया है कि उसको मिट्टी को सुई करके मुक्ति धाम बढ़िया तरीके से बनाया जाए। अच्छा, अच्छा तरीके से बनाया जाए, अच्छी तरीके से बनाया जाए। गेट और लगेंगे, जाली वगैरह, पट्टी वगैरह सारी लगेगी इसमें। मतलब पूरा ग्रामवासी ही साथ में सहयोग में है? हाँ, सारे गाँव का। अच्छा, जो ट्रैक्टर लग रहे हैं वो ट्रैक्टर के हिसाब से लग रहे हैं, मतलब सार्वजनिक काम है, ऐसे ही काम ऐसे लग रहे हैं। जो जितने मन मांगे उतना मन मांगे उतना काम करो। हाँ, उतना। उसके बाद में पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे? हाँ, पेड़ पौधे सारे लगाए जाएंगे, उसमें धारा बनाए जाएंगे, पानी की होदी लगाई जाएगी। पेड़ पौधा लगाया जाएगा, धारा बनाया जाएगा। ट्रैक्टर चला रहे हैं उनसे भाई साहब से करे। भाई साहब, राम राम। राम राम भाई जी। भाई साहब जी, कितने दिन हो गए लगे ने? 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। क्या प्लान है आपका? भदासर गाँव है। हाँ, भदासर गए। आपका नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र जी, क्या प्लान है भदासर जो ये मुक्ति धाम है उसमें, ये क्या बड़ा कदम उठाया है? ये बहुत अच्छा बनाएंगे, ढाला बनाएंगे, दरख्त लगाएंगे। अच्छा, आप बताओ आपको काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो ये सरदार शहर तहसील में मैं घूम फिर कर आ गया तब भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन आप बताइए कि इसमें मतलब जो ट्रैक्टर चल रहे है ये अपने अपने सहयोग से है या नहीं? सहयोग से चल रहे हैं। चंदा चिट्ठे कर पैसे देते? चंदा से नहीं, आपके सहयोग से। जितने अपनी मर्जी है उतना चला सकते, जितना चला दो। कितने? 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे? हाँ, कितने चला सकते। इसमें कोई समाज वाली भी बात नहीं है? समाज पूरे हर समाज के भदासर, हर समाज के भदासर ग्रामवासी बहुत बड़ी कदम उठाई। और बातचीत करते हैं भाई साहब जी। राम राम। राम राम। राम भाई साहब जी, ये भदासर गाँव का जो ये मुक्ति धाम है उसमें ये कार्य कितने दिनों से चल रहा है? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। मुख्य कदम क्या है, कितना प्लान बनाएगा, क्या क्या होगा? तार पट्टी उसी, जाल बनसी, ढालो बनसी, होदी बनसी, पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। पेड़ पौधा 500-600 पेड़ पौधा, और इसमें पानी पुनी की सुविधा भी की जाएगी। हाँ, पानी की सुविधा, पानी की सुविधा की जाएगी। सुविधा आगे इसमें मतलब जो भी ये जमीन है वो ऊंची नीची थी उसको सुई करके सैंपल 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 सारे ग्रामवासियों की अनुमति से? हाँ, सारा ग्रामवासी। सरकार से कोई इसमें कोई कुछ नहीं है? नहीं, सरकार को कोई योगदान को नहीं। अच्छा, उसमें ढाला वगैरह भी बनाया जाएगा, मतलब भदासर वालों की ऐसी सोच है कि मुक्ति धाम अच्छा साफ सुथरा हो। 30-40 को ढालो बनसी, गांव की तरफ हुई, गांव की तरफ हुई। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार।
बादासर के युवा है, युवाओं से बातचीत करेंगे। तो क्या नाम आपका? बजरंग लाल। बजरंग लाल जी, क्या कदम है ये बादासर की? पूरे गांव का सहयोग है। पूरे गांव का सहयोग है, मतलब मुक्ति धाम है वो, साफ सुथरा हो, पूरा गांव अच्छा हो। हाँ अच्छा, जबरदस्त बनेगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आप नाम पूछ सकता हूँ मैं? जगदीश। मैं कैमरा मैन को बोलूंगा थोड़ा इधर। जगदीश जी, ये जो बादासर गांव ने, ये तो दिख रहा है कदम, बहुत बड़ी कदम उठाई है, तो ये मतलब आखिर कब तक ये काम है, वो कहां पर जाकर रुकेगा, कितना यहां पर खर्चा लगेगा, क्या क्या व्यवस्था बनेगी, ये बताओ आप। ये खर्चा तो सब 4-5 लाख रुपया लगना है इसमें। अच्छा, 4-5 लाख रुपये लाग सकते हैं। और पूरे गाँव वासियों को सहयोग से काम हो रहा है, और पेड़ पौधा भी लगेगा, पानी की टंकी यहाँ पर बनेगी, और लगभग एक ट्यूबवेल बनाने की हमारी कोशिश है यहाँ पर। एक ट्यूबवेल भी यहीं बनेगा। हाँ, ट्यूबवेल भी बनाएंगे यहाँ पर। पौधा बन जाएगा, पेड़ पौधा लगाने के लिए छपरा बनेगा। अच्छा। आगे आने वाले टाइम में क्या होता है कि जैसे ये शमशान भूमि है, वो एक हमारे तहसील में नंबर वन बन जाएगी। शमशान भूमि, सॉरी, में ये मुक्ति धाम है, वो मुक्ति धाम है सर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप नाम पूछ सकता हूँ? राम प्रताप। बादासर के ही होने? हाँ, बादासर। राम प्रताप जी, आपने तो बहुत बादासर के युवाओं ने और बादासर की पूरी पब्लिक ने मिलकर ये कार्य किया है। हाँ सर, बहुत शानदार कार्य किया है। हाँ, सब ने मिलके ये सुहा किया है। ऐसा भी एक प्लॉट उधर पीछे किया था खेल के लिए। अच्छा। उधर कोई योजना तो आती नहीं है, इधर सुहा करके रखा, इधर भी सुहा कर दिया है। गाँव वाले खर्चा कर रहे हैं, कोई तारपट्टी कर रहा है, कोई ढाला बना रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है। सरकार से भी कोई योजना है तो वो भी लग सकती है। उधर खेल का मैदान बना हुआ, उसमें कोई सरकार की योजना है तो तैयार किया हुआ है। अभी तक तो सरकार की नहीं है। सरकार की कोई योजना नहीं आती है, हम सब गांव वाले एक परिवार की तरह सब मिलके करते हैं। मैं एक इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि सारे ग्राम में मतलब जो मुक्ति धाम होती है उसके बाहर बाउंड्री बनी हुई है। ये आया था थोड़ा ही दिन हुआ है, देखो फट गया है, पड़ने वाला हो रखा है। ये मकान है वो सरकार से आया था, ये मकान है वो पूरा जर्जर हो गया है, दिखा दीजिए। लेकिन उसमें मतलब एक बड़े ये सरकारी मकान बना हुआ है, ये पूरा जर्जर हो गया है। इसमें बनाने में ये ग्रामवासी बोल रहे हैं क्या मतलब है। लेकिन अभी बादासर के लोगों ने एक बड़ी कदम उठाई है कि इसी को फुड़ाकर इस कार्य के साथ अगर सरकार है वो थोड़ा मदद कर दे इसी काम को देखकर, इस वीडियो को देखकर, क्योंकि एक मुक्ति धाम का एक बड़ा कार्य होने जा रहा है, बड़ा ये विकास होने जा रहा है। इसमें थोड़ा सरकार है वो, हर सरकार कोई भी प्रधान हो, विधायक हो, ये इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही जो ग्रामवासियों के एक जो वो मुक्ति धाम होते हैं उसके बाउंड्री की व्यवस्था करते हैं। सरकारी जो योजना से यहाँ पर कोई बाउंड्री वगैरह भी नहीं है। देखिए, ये ग्रामवासी है वो बड़ी हिम्मत की है, जो अपने अपने क्षमता अनुसार ये ट्रैक्टर चलाते हैं। अभी मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ट्रैक्टर वालों से अच्छी तरह से दिखा दीजिए। ट्रैक्टर जो अपने अपने जो जिस ट्रैक्टर वाले किसान हैं, किसान अपने क्षमता अनुसार 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, 2 घंटे चले, अपने पावर के अनुसार, क्षमता के अनुसार ये ट्रैक्टर चलाते हैं। यहाँ पर ये बादासर का मुक्ति धाम एक स्वरूप की तरह बन जाएगा और बहुत अच्छा शानदार बन जाएगा। देखिए, और भी काफ़ी व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर। ग्रामवासियों की बड़ी कदम है ये कि यहाँ पर सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है आज तक, मैंने ऐसा लगता है, क्योंकि हर गांव में हर शमशान जो भूमि होती है उसके बाउंड्री होती है, मुक्ति धाम के बाउंड्री होती है, लेकिन बादासर के अभी तक ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन बादासर के लोग हैं वो अपने अपने क्षमता के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य है, इसमें 8 या 7-8 लाख रुपये लागने की संभावना बता रहे हैं। जितने ये ट्रैक्टर चल रहे हैं उतने ट्रैक्टर है वो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, किसान भाई है वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, और जितने टाइम लगेगी उतने ये समतल करने की टाइम लगेगी उतने टाइम ट्रैक्टर चलाकर उसमें मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, और पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल वगैरह भी ये कहते हैं कि बनाया जाएगा। बहुत काफ़ी बड़ा विकास करने जा रहा है। आने वाले दिनों में ये बादासर गाँव की शमशान भूमि है वो सरदार शहर में 1 नंबर बन जाएगी। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।